प्रति सोमवार को इंदौर कलेक्टर कार्यालय में आयोजित होने वाली टीएल बैठक में इंदौर कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने जिले के सभी विभागों को आदेश देते हुए अपने काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही सीएम हेल्पलाइन के विषय पर भी चर्चा हुई। इंदौर जिले के सभी विभागों की बैठक ले रहे कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने सीएम हेल्पलाइन को लेकर सभी विभागों को महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा कि जनता द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर की जाने वाली शिकायत के निराकरण की प्रगति दर को और बढ़ाया जाए। साथ ही कलेक्टर ने इंदौर आरटीओ विभाग से भी कहा कि जिले के जिन जिन विभागों पर अवैध परिवहन के प्रकरण दर्ज हैं, जल्द से जल्द ऐसे वाहनों की आरसी कैंसिलेशन की प्रक्रिया शुरू की जाए। इसमें 3-4 महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं कि सीएम हेल्पलाइन में निरंतर प्रगति आ रही है, परंतु अभी भी प्रगति के जो दर है उसमें अभी और इजाफा किया जा सकता है। विशेषकर ऐसे प्रकरण जहाँ पे आवंटन के अभाव में प्रकरण में कार्यवाही नहीं हो पा रही है, तो सभी विभाग को निर्देशित किया गया है कि अपने उच्च अधिकारियों से बात करें और प्रयास करें कि अतिशीघ्र आवंटन प्राप्त होकर सभी प्रकरणों का अंतिम निराकरण किया जा सके। दूसरा, माइनिंग को लेकर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये दिए गए हैं कि ऐसे जितने भी वाहन जो लगातार जिनके पिछले 3 साल में अवैध परिवहन के प्रकरण दर्ज हुए हैं, उनको चिन्हांकन करके उनके आरसी कैंसिलेशन का जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ की जाए। अभी हम लोगों ने फर्स्ट फेज में 33 ऐसे वाहन चिन्हित किए हैं जिनके द्वारा पिछले 3 वर्षों में बार बार उनके अगेंस्ट में अवैध परिवहन के प्रकरण दर्ज हुए।